बड़ा अच्छा लगता है ना, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और बड़ी खुशी से हम झूमते हैं ना। झूमने का टाइम आ गया है अभी। हमारा देश कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सब चलता रहा तो रेप के मामले में भी नंबर वन बन जाएगा ना। बाद में झूमना, बाद में झंडा फहराना, बाद में बोलना जय श्री राम, आगे बढ़ गए ना हम, दुनिया में सबसे आगे निकल के आ गए हैं। मतलब शर्म नहीं आती हम लोगों को यार, बहुत गलत हो रहा है ये। सपने देखते हैं देश ऐसा जाएगा, देश वैसा जाएगा। अरे उस 8 साल की बच्ची के साथ में सोचो क्या बीती होगी, जो लॉजिक ढूंढते हैं उसके अंदर भी उनको बचाने के लिए, कि वो मुस्लिम थी, हिंदू, हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया। अरे कहाँ जाएगी हमारी ये सोच, ये गोबर भर गया दिमाग में हमारे। लोग ऊपर से सपोर्ट करते हैं, बाद में झंडा फहराते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय और जय श्री राम, शर्म आती है बोलने में। और भी उससे पहले, कुछ दिनों पहले यूपी में क्या हुआ, और रोजाना हो रहा है, रोजाना हो रहा है। वो हम तक दो बातें आती है निकल के, बिकॉज हमको उन दो का मालूम चल पाता है। ऐसा रोजाना पता नहीं कितना कहाँ कहाँ पे होता है, उसके बारे में शायद आपको हिसाब किताब भी नहीं होगा। पता नहीं कितने मामले रोज उठते हैं, कितने मामले रोज दबते भी हैं। हमारा हिंदुस्तान है ना, यहाँ पे इतना बड़ा देश है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग हैं मिनिस्टर्स भी हैं, चाहे पढ़े लिखे समझदार लोग मानते हैं, वो बोल देते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ गया, आम बातें चलता रहता है। कुछ यहाँ पे इसमें भी लॉजिक ढूंढ लेते हैं कि छोटे कपड़े मत पहन के निकलो, घर से रात को बाहर मत निकलो, लड़कियों को अपने आप में सुरक्षित रहना चाहिए, वो क्यों बाहर निकलती हैं, क्यों छोटे कपड़े पहनती हैं, क्यों प्रवोक करती हैं वो। अच्छा कोई 9 महीने की लड़की के साथ में रेप होता है तो उसने प्रवोक किया होगा, या 8 साल की बच्ची ने प्रवोक किया होगा, कोई 80 साल की बुजुर्ग महिला है उसने प्रवोक किया होगा। कहाँ पे गई रही है हमारी सोच, कहाँ पे गई, शर्म आती है मालूम है शर्म। हमने ना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है कि हाँ ठीक है खिलौना ही तो है, खेल लो। सड़क चल रही है, कोई लड़की, चार लड़के मिलके सीटी मार देंगे, बजा लो, क्या फर्क पड़ गया, वो क्या बोल लेगी, हद से हद, नीचे सिर करके निकल जाएगी ना आगे। यही हमने देखा है, यही हमने सीखा है, यही हमने समझा है, यही होता है हमारे चारों तरफ, दिन भर देखते हैं पता नहीं कितनी बार। ये तो आम बात बन गई, लाइफ का हिस्सा बन गया ना ये। दया हद है, सबको न्याय के हम पूरे ऑप्शन देंगे, है ना। ये मालूम है कि ये सामने इसने ये काम किया है, उसको गोली नहीं मारनी है वहां पे, उसको उस टाइम पे सजा नहीं देनी है, नहीं। वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, उसके बाद में हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, बाद में राष्ट्रपति के पास भी जाएगा। निर्भया केस याद है ना, डेथ पेनल्टी मिली थी, अभी तक फांसी हुई नहीं है, वो लोग जिंदा है, उनको कुछ हुआ नहीं है अभी तक, और क्या पता होगा या नहीं होगा। हम तो कसाब जैसे को भी बैठा के खाना खिला देते हैं इतने दिनों तक, तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत ही छोटी सी बात होगी ना, जो लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ ये तो चलता रहता है, होता रहता है। उसके अंदर फिर बाद में लॉजिक ढूंढ लेंगे कि वो जंगल में क्या करने गई थी अकेली, क्या था, कौन से परिवार से है, वो परिवार क्या है क्या नहीं है। इंसानियत दिखती है क्या कभी, हर जगह पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी, हिंदू मुस्लिम गुसाना, इसके ऊपर कुछ होता नहीं है क्या लाइफ में। बड़ी शर्म आती है यार देख के कि हम लोग, मतलब ना अभी इसमें सबसे बेकार बात क्या है ना, कि आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। गुस्सा आ रहा है हमको, फ्रस्ट्रेशन है हमारे अंदर, 4 वीडियोस बना देंगे, 4 दिन मोर्चे निकाल देंगे, उसके बाद में वापस सब ठंडा हो जाएगा। हमारे बस के अंदर रही नहीं है कुछ करना, ये चीजें और गुस्सा दिलाती हैं। जिसके ऊपर हुई होगी ना कभी, सोचना उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी यार। 8 साल की बच्ची, वो मंदिर में हुआ हो या मस्जिद में हुआ हो या खुले मैदान में हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। इतना ज्यादा उसको हिंदू ने किया कि मुस्लिम ने किया, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। इंसानियत नाम की चीज है वो, कम से कम सोच के एक, अगर हम अपने इस घटिया जो अंदर गोबर भरा हुआ है इसको चेंज कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा यार, क्या बिगड़ जाएगा। मतलब ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे आ जाए किसी इंसान में यार, कोई सोच भी कैसा ले कि मैं ऐसा करूं। शर्म आती है यार। हमारा वही देश है जहां पे एक 15-16 साल की लड़की को कोई सामने से आके बोलता है लड़का, और हाँ बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना बोल दिया तो एसिड फेंक देंगे ना, क्योंकि हम में ताकत है, तूने मेरे को ना कैसे बोल दिया, ना बोल दिया तो रेप कर देंगे। ये हमारी ताकत है, ये हमारी मर्दानगी है, और इसको प्राउडली हम बाद में शेयर करते हैं 4 लोगों के साथ में कि हाँ मैंने ऐसा किया। बहुत गलत हो रहा है यार हमारे देश में, बहुत गलत हो रहा है ये सब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये। इसके लिए कोई लॉजिक काम ही नहीं करना चाहिए, और लॉजिक आएगा भी कहाँ से। लेकिन हम हैं जो इसके अंदर भी इफ बट लगाते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, हिंदू था तो ये, मुस्लिम था तो ये। अरे काय का हिंदू मुस्लिम यार, देश जला देते हैं, पता नहीं कहाँ से हमने क्या झुंड इकट्ठे कर लिए हमारे चारों तरफ यार।
धर्म के नाम पे किसी को भी मार देंगे, किसी के साथ में कुछ भी कर लेंगे, कुछ कर लिया तो बाद में बचाने वाले आ जाते हैं। मतलब हद है यार, हद है। क्या उस झंडे के पीछे मतलब हम जो चाहे कर लें, कि झंडा फहरा दिया, बस एक बार बोल दिया भारत माता की जय, इसका मतलब हम जो हैं वो सच्चे हो गए, दूध के धुले हो गए, यही चल रहा है ना। जय श्री राम बोल दो बस एक बार, राम जी की ताकत आ गई आपके अंदर, आपने कैसे कुछ गलत काम कर सकते हैं। बहुत मतलब शर्म भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, परेशानी भी है, दिखता है सामने कि रोजाना होता है। पता नहीं कितने मामले दबते होंगे यार, पता नहीं कितने मामले दबते होंगे। परिवार वाले, रिलेटिव्स, दादा, नाना, चाचा, मामा, भाई, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन लोगों में। लड़कियां सेफ फील करें तो कहाँ सेफ फील करें और कैसे जिए वो, कभी सोच के देखा है? हम बड़ी चौड़ में होते हैं ना लड़के हैं हम, क्या होता है हमारे साथ में, कभी सोच के देखो अपने आप को कि आपके साथ में अगर ऐसा हो तो कैसा बीतेगा यार। बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, अरे कहाँ बचाएं और कहाँ से पढ़ाएं जब देश में ऐसे दरिंदे खुले घूम रहे हो। तो उनको हम मतलब एक लेसन देने का टाइम यार अब तो आ गया है ना। मतलब कितना वेट, कितना सबर भाई, कितना सबर, कितना सबर। फांसी की सजा नहीं है रेप के ऊपर, एक्सट्रीम केस में फांसी है, मालूम है ये बात, वरना लाइफ इंप्रिजनमेंट ही है, फांसी की सजा है नहीं अभी तक, इसीलिए लोगों को मालूम होता है। इससे पहले तो 7 साल थी, उसको बढ़ा के बाद में 20 साल किया है, कि वर्स्ट केस मालूम होता है ना कि 7 साल बस खत्म, उसके ऊपर क्या कर लेगा कोई मेरा। यही तो हिम्मत देता है अंदर से, मालूम है ना कि पुलिस तो अपने काबू में आ जाएगी, 2 मिनिस्टर से लिंक होंगे तो चीजें अपने फेवर में हो जाएंगी। लोगों को यही जो अंदर से चीजें ताकत देती है ना कि हाँ क्या हो जाएगा, हद से चल मैं कर लेता हूँ ना, मेरे पास में तो ताकत है। सिस्टम ही मर ऐसे ढीला है ना, मरा हुआ। बहुत घटिया और बेकार किस्म की चीजें हो रही हैं हमारे चारों तरफ, जिनको रोकने का टाइम आ गया है यार। और आ गया का मतलब कि कम से कम खुद तो काबू कर लें। वो हम ही लोग हैं, वो हम ही लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को फैलाया है कहीं ना कहीं, शायद चुप रह के, शायद ना अपनी आवाज उठा के, वो हम ही हैं एज एन इंडिविजुअल, वो हम ही हैं जिन्होंने इन जैसों को हमारे बीच में पैदा होने का मौका दे दिया है, और ये लोग खुलेआम ऐसा काम कर रहे हैं और घूम रहे हैं। क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है, वो हमसे थोड़ी ना लिंक रखती है लड़की, वो हमारे परिवार की थोड़ी ना है। जिस दिन हमारे परिवार के ऊपर हो जाएगा उस दिन हम कहाँ जाएंगे यार, क्योंकि सिस्टम फिर दूसरे लोग बोल देंगे कि वो हमारे परिवार की थोड़ी ना है। हमने अपना स्वार्थ पता नहीं कहाँ से घुसा लिया ऐसे मामलों में, और साथ में कुछ वोट्स के लिए, कुछ कंट्रोवर्सीज करवाने के लिए लोग यहाँ पे हिंदू भी और मुस्लिम भी, और पता नहीं हम इंडिया और इंडियंस नहीं बोलते ना कभी भी। ह्यूमैनिटी मालूम है क्या होता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात करते हैं गधे। बहुत हो गया यार, प्लीज अपनी सोच बदलिए, 4 लोगों तक अपनी आवाज उठाइए, एक बदलने का टाइम आ गया है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो ये इतने यूथ है ना, इसको अभी कुछ करना चाहिए। हम में से निकल के आता है एक 17 साल का लड़का, उसकी कैसे हिम्मत हो जाती है कि वो उस लड़की के साथ में रेप करेगा। मतलब कहाँ से क्या सोच होती होगी दिमाग में अंदर, कभी सोचा है यार? ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है? मतलब आपने ऐसा क्या पढ़ा है, आपने ऐसा क्या समझा है, आपको आपके 4 लोगों ने, आसपास वालों ने क्या बताया होगा, क्या ऐसा आपको सीख दे दी कि आपने ये काम कर दिया बड़े हंसते से और हाँ हक से। शायद छोटे कपड़े पहने होंगे, फिर हो सकता है 8 साल की बच्ची थी ना, शायद छोटे कपड़े पहन लिए होंगे। लॉजिक तो यही कहता है कि छोटे कपड़े पहने हैं तो मतलब रेप होगा, और नहीं पहने हैं तो मतलब नहीं होगा। बुरके वाली का भी होता है, साड़ी वाली का भी होता है, एक बेचारी 9 महीने की, 8 महीने की बच्ची का भी होता है। ये है हमारा देश, ये है हमारा इंडिया, हिंदुस्तानी सबसे आगे है ना, ये है, ये हम हैं सबसे आगे, ये हमें सबसे आगे। शर्म आती है यार, गुस्सा आता है, बुरा लगता है। कहाँ मैं अपने चैनल के ऊपर सोचता हूँ कि वीडियोस बनाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग लोगों तक ज्ञान पहुँचाता हूँ, कहाँ जाएगा ज्ञान? ज्ञान की जगह तो ये चीज़ें हैं हमारे देश में घूम रही हैं अभी, कहाँ, क्या काम है उस ज्ञान का? वो तो हवा हो चुका है ना, हम तो कोई दिख जाए सामने हमको, हमारा उस पर हक हो जाता है ना। ये हमारे सो कॉल्ड टीनेजर्स की सोच है ना, कि सामने एक लड़की देख ली है तो हाँ मेरा पूरा हक है, कैसे नहीं होगा, कैसे वो ना नहीं बोल दे, क्यों वो हाँ ना बोले मेरे लिए, ना बोले तो मैं दिखाऊंगा बाद में उसको, मैं बताऊंगा उसको, 4 फोटोज खींचे कहीं पे लीक कर दूंगा मैं। ये सब तो हमारे दिमाग में सोच चलती है, और यही सोच को हम बड़े प्राउडली बोलते हैं कि हाँ इंडिया आगे बढ़ रहा है।
बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबका ठीक होना ज़रूरी है। शायद ओवरनाइट ना हो, लेकिन कम से कम और ख़राब ना हो, इसकी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब पता नहीं कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं, हमको उनको नहीं देखना है, हमको बीच में रिजर्वेशन को घुसाना है, हमको बीच में हिंदू मुस्लिम को घुसाना है, हमको बीच में किसी को क्या करना है वो सब घुसाना है ना। देश की जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमको दिखती नहीं है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये रेप वो प्रॉब्लम है जिसको ओवरनाइट सॉल्व किया जा सकता है। दो चार अगर एग्जाम्पल्स निकल के आ जाएं, किसी ने अगर ऐसा कुछ किया, अभी आज ही एक सूरत की भी खबर आई है, मैंने वो भी देखा है, उधर भी बच्ची के ऊपर चोट के निशान है और रेप ही किया होगा, 10-11 साल की बच्ची है। ये वो चीज़ें जिसको हम ठीक कर सकते हैं ओवरनाइट। चार लोगों को सज़ा मिल जाए इंस्टेंटली, पांचवा मजा लेके पैदा हो जाएगा, चांस ही नहीं है। लेकिन क्योंकि सिस्टम ढीला है, क्योंकि धक्के से चलता है, तो ठीक है चलने दो ना, लोगों की सोच ही ऐसी है। ये चीज़ें ओवरनाइट ठीक की जा सकती हैं। देश में गरीबी ठीक नहीं कर सकते, कम से कम रेप ठीक कर सकते हैं। जीरो हो जाएगा अगले दिन से, जीरो। चार लोगों को हाथों हाथ अगर मिल जाए ना फैसला, रूह कांप जाएगी पांचवे की, काम सोच के भी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि नहीं करूं। लेकिन हमको बचाने होते हैं अपने जानने वाले, किसी के कोई लिंक है पुलिस के साथ में, किसी के मिनिस्टर के साथ में लिंक है, फिर ऊपर से पैसा चल जाता है हमारे देश में, और फिर हम बोलते हैं सबसे आगे हिंदुस्तानी। आएंगे भाई सबसे आगे आएंगे, बढ़िया है। सोच बदलो यार, सोच बदलो। सभी को बोल रहा हूँ ये बात, अपने आप से भी बोल रहा हूँ। हमारे लिए चीज़ें बहुत सारी बहुत इजी गोइंग हो जाती हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए। हमको नहीं फर्क पड़ता ना कि हाँ हमारा थोड़ी ना होगा किसी का, बढ़िया है होगा किसी का। आज की डेट में ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है चीज़ों को, तरह तरह की टेढ़ी मेढ़ी मूवीज हम बना रहे हैं, तरह तरह के हम गाने सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारी बातें। हमने ना मसाला फैला दिया है प्रॉपर, हमारे चारों तरफ हमने ऐसा सामान फैला दिया है कि हाँ लड़का है तो मेरा हक है, लड़की है तो वो मेरी मर्जी मानेगी, नहीं मानेगी तो मैं हक रखता हूँ ना भाई। ये हमने हमारे चारों तरफ का माहौल ही क्रिएट कर दिया है, और ये खराब कर रहा है हमको। आप क्या सोचते हो, जितने रेप केसेस सामने आते हैं सिर्फ उतने ही होते हैं? कितने सारे होते हैं रोजाना जिसके बारे में आपको कुछ खबर भी नहीं होती है, क्योंकि वो कोई पहुंच ही नहीं पाते अपनी आवाज उठाने के लिए, वहीं भगा देता है उनको बाहर कोई। हमको तो मालूम चलती हैं दो चीज़ें ऐसी जो कभी हुई और हमारे सामने आई, वरना ये मामला भी जनवरी का है, हमारे सामने तो अभी आया है ना, वरना क्या पता मालूम भी ना चलता। इट्स टाइम टू चेंज यार, इट्स टाइम टू चेंज। शर्म आ रही है, और बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, और आनी भी चाहिए। आगे तो ना आए कम से कम, अभी शर्म शर्मिंदा हो लेते हैं, अभी कम से कम कुछ एक्शन ले लेते हैं। अभी इस केस में भी ये जो 8 लोग हैं, इनका मालूम नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। कानून हमारा बहुत कमजोर सा है ना यार, सबूत देखता है ना वो, तो गवाह देखता है, सबूत देखता है, अंधा कानून है हमारा, इसी का फायदा उठ रहा है। आगे तो नहीं हो कम से कम ऐसा, शायद बस इतना कहना है इस वीडियो में, और कुछ नहीं है। शर्म आ रही है, उम्मीद करते हैं कि आगे ना आए, उम्मीद करते हैं कि हमारा देश थोड़ा सा सुधर जाए। जो ये लोग ऐसे हैं, इनकी थोड़ी सोच संभल जाए, जिसके दिमाग में भी ऐसा कुछ ख्याल आता है वो कभी ऐसा कुछ ख्याल ना आए। थोड़ा समझ लो यार, थोड़ा समझ लो। शराब पी लो, सिगरेट पी लो, जो करना है कर लो, लाइफ में कोई रोक टोक नहीं होती है। ये एक चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये एक चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई इफ बट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई साथ में आर्गुमेंट्स नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए हिसाब किताब। सिर्फ ये गलती की सज़ा मिली, गलती की सज़ा मिली। अगर ये चीज़ें हो गई तो आगे गलती कोई नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि सज़ा नहीं मिलती इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, और इसलिए सबके पंख निकल जाते हैं। इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यार, बहुत हो गया यार, अभी बदलना पड़ेगा, अभी बदलना पड़ेगा। बस इतना ही बोलना है इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।